भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लेकर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए जाने पर अपनी बात रखी है। साहा ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलना चाहता तो कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू क्रिकेट आधार है और हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए इसे पर्याप्त महत्व देना चाहिए। आपको बता दें कि बुधवार को श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ने खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के नाम पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद ही साहा का यह रिएक्शन सामने आया है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलने वाले रिद्धिमान साहा ने कहा, यह बीसीसीआई का फैसला है और संबंधित खिलाड़ियों का व्यक्तिगत निर्णय है, आप जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। बता दें कि अय्यर और ईशान बीसीसीआई के आदेश के बाद रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे। बीते कुछ दिनों में दोनों को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आई हैं। साहा ने अपने आगे का उदाहरण देते हुए कहा कि एक क्रिकेटर को हर मैच को महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा, जब मैं भी फिट होता हूँ तो मैं खेलता हूँ, यहाँ तक कि मैंने क्लब मैच भी ज्वाइन किया, कार्यालय के मैच भी खेले। मैं हमेशा एक मैच को एक मैच की तरह खेलता हूँ, मेरे लिए सभी मैच बराबर है। अगर हर खिलाड़ी को इस तरह से सोचता है तो वह अपने करियर में केवल समृद्ध होंगे और भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहतर मौका भी होगा। वहीं सरफराज खान को लेकर साहा ने कहा, मुझे लगता है घरेलू क्रिकेट का महत्व हमेशा रहता है, क्योंकि अगर मैं सरफराज खान के बारे में बात करूं तो पिछले 4-5 सालों में काफी रन बनाए हैं, निश्चित रूप से उनने अच्छा प्रदर्शन किया है। साहा ने इस बीच युवा क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जरेल की बल्लेबाजी को उत्कृष्ट करार दिया है। जरेल ने तीसरे टेस्ट में डेब्यू करते हुए 46 रनों की शानदार पारी खेली है और इसके बाद रांची में चौथे टेस्ट में 90 से और 39 रन बनाए, जिससे उन्हें मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें यानी जरेल को घरेलू क्रिकेट में कभी खेलते हुए नहीं देखा है, यहाँ तक कि टेस्ट मैचों में भी मैंने उनकी पारी के मुख्य अंश ही देखे हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शानदार। उसने टीम के लिए पिछला टेस्ट जीता भी है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।